हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। छात्रगण, गुरुकुल की आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने एज यूजुअल विषय रीजनिंग को लेकर के। और कल की क्लास में आपको मालूम होगा कि हम सबों ने ब्लड रिलेशन को पूरी तरह से समाप्त घोषित किया था। कई प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे, चाहे वो पजल बेस्ड था या सिंगल बेस्ड था। और अगली क्लास जब हमारी होगी तो उसमें और भी बहुत सारा आपका पीडीएफ क्वेश्चन जो होगा हम सब उसमें उस चैप्टर पे अटैच कर देंगे, है ना। तो आज की क्लास में आपकी बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्रगण आप सबों का। और हम बिल्कुल नए चैप्टर के साथ हैं, न्यू फ्लेवर के साथ में हैं। उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। भले ही कोरोना का बहुत ही विपरीत समय चल रहा है, अब पूरी तरह से पैंडेमिक हो चुका है छात्रगण ये बीमारी, इसलिए हम सबों को बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ करके रखने की आवश्यकता है, ज़रूरत है कि हम सब जितना पहले प्रिकॉशंस ले रहे थे उस समय, अभी देखिए रियल में अगर आप कहिएगा तो लॉकडाउन अब होना चाहिए था, अभी लॉकडाउन होना चाहिए था। जितनी जो भयावह स्थिति हमारे देश में बढ़ रही है, प्रतिदिन आपने देखा कि 1024 1025 एकदम अमेरिका के समकक्ष हम लोग आ गए हैं। तो अभी के वक्त में जो है निश्चित रूप से लॉकडाउन होना चाहिए। और आपको मालूम होगा पुनः लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है। इसराइल ऐसा पहला कंट्री बन गया है जो कि दोबारा लॉकडाउन अपना कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया है छात्रगण। तो स्थिति बहुत ही भयावह है, इसलिए घर में रह करके बहुत अच्छा है कि ऑनलाइन कक्षाओं का मजा लीजिए। एक समझिए कि आपका एक बुरे वक्त पर, एक खराब समय जो चल रहा था उस दौर में आप पढ़ाई कर लिए, या कोई डिग्री ले लीजिए, कई तरह का, कोई लाइब्रेरियन का डिग्री ले लीजिए, कोई टेक्निकल डिग्री ले लीजिए जो कि आपको लेटर ऑन बहुत बहुत मदद करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं छात्रगण कि इस कोरोना जैसे पैंडेमिक काल में भी आप सब अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल करके रखेंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतरता आगे की ओर बढ़ाएंगे। स्वागत करते हैं छात्रगण आज के नए चैप्टर पर, और चैप्टर का नाम होगा डायरेक्शन टेस्ट। नेक्स्ट चैप्टर है मेरा डायरेक्शन टेस्ट। लेशन कोई भी होगा उससे मतलब नहीं है। अगली टॉपिक है हमारा डायरेक्शन टेस्ट का, अर्थात दिशा संबंधी प्रश्नों का। तीन पड़ाव होंगे छात्रगण। पहले पड़ाव पे हम सब यहाँ दिशा निकालने के लिए सीखेंगे। इस चैप्टर की पूरी जो झलकियाँ होंगी उसमें पहले पड़ाव पर हम सब टू फाइंड डायरेक्शन दिशा ज्ञात करेंगे। दिशा ज्ञात करना, टू फाइंड डायरेक्शन। दूसरा में हम सब सीखेंगे दूरी ज्ञात करना, हाँ। और तीसरा में हम सब करेंगे शैडो का प्रश्न बनाएंगे, छाया संबंधी प्रश्न। इससे भी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बहुत होते हैं क्वेश्चन। तो तीन पड़ाव है हमारा, दिशा ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना और छाया संबंधी प्रश्न। इनको बहुत ही बखूबी अंदाज में आपके सामने में पेश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि छात्रगण आपको इस चैप्टर पर मास्टर बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में आप सबों ने देखा है। छात्रगण, पूरी तरह से जब हम डायरेक्शन टेस्ट की बात करते हैं तो तीन एरिया से क्वेश्चंस होते हैं परीक्षाओं में, जिसमें पहली एरिया आपकी होती है टू फाइंड द डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड देन द शैडो। इसी पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड होता है और उसी की चर्चाएं करेंगे। जब हम डायरेक्शन टेस्ट की बात करते हैं छात्रगण, दिशा संबंधी प्रश्नों की बात करते हैं, तो सबसे पहले कोई भी बच्चा डायरेक्शन टेस्ट पर तभी मास्टर हो सकता है जब उसको दिशा का ज्ञान बखूबी होना चाहिए। दिशा का और डायरेक्शन का ज्ञान हम कैसे करें, कैसे डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए, दिशा का ज्ञान कैसे होना चाहिए, ये आपको सीखने की आवश्यकता है। देखिए, दिशा का ज्ञान हम सब कैसे करें। सबसे पहले आप, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप पूर्व की ओर, सूर्य जो होता है हमेशा किधर उगता है, पूर्व में। ये तो एकदम पक्का है, कभी दुनिया में इधर उधर नहीं हो सकता है। बस जिधर सूर्य उगता है आपको उधर मुंह करके खड़ा हो जाना है। जिस दिशा में सूर्य उगता है, चाहे इधर उगता हो, इधर उगता हो, सामने उगता हो, पीछे उगता हो, हमको मैटर नहीं है। हम किसी जगह पे गए हैं और हमको वहाँ का डायरेक्शन जानना है। आप अभी भी गांव में चले जाएंगे छात्रगण तो आप देखेंगे अक्सर गांव में लोग हमेशा ये तो आपको कहते हो रहेगा, यहाँ से पूरब जाएगा, दो मील जाएगा तो पहुँच जाएगा गाँव। आप देखिएगा अक्सर ये लैंग्वेज वो लोग स्पीकिंग करते हैं, तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं छात्रगण कि क्या है, ऐसे बोला जाता है, क्यों बोला जाता है। तो ये समझना चाहिए आपको, इसलिए दिशा का ज्ञान आपको बहुत ज़रूरी है। और खासकर कहीं जाने आने की बातें छोड़ दीजिए, आजकल तो गूगल मैप है, आपको कोई डायरेक्शन जानने की जरूरत नहीं है, गूगल आपको उस घर तक पहुँचा देगा जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम जो पड़ाव है आपके जीवन का वो यही है कि दिशा संबंधी प्रश्नों में सबसे पहले आप डायरेक्शन का ज्ञान लीजिए और डायरेक्शन के ज्ञान से परीक्षाओं में प्रश्नों को हल कीजिए, क्योंकि गूगल मैप आपके पास वहाँ पे नहीं होगा।
मुझे याद आ रहा था, मैं एक एग्जाम देने के लिए गया था, एक परीक्षा देने के लिए देखा, तो देखिए कि एक बच्चा बोलता कि मैं पूरब की ओर मुड़ता हूँ तो ऐसे मुड़ रहा है, एग्जाम में बैठे बैठे मैं पश्चिम की ओर चलता हूँ तो ऐसे मुड़ रहा है। मुझे देख के बहुत हंसी आई, बोली कि इस बच्चे को डायरेक्शन का ज्ञान नहीं है, दिशा का ज्ञान नहीं है, इस कारण एक ही क्वेश्चन पर उसका पूरा समय बीत रहा था और ब्रेक डिस्को डांस भी वो क्लास के अंदर में कर रहा था। इसलिए आइए सबसे पहले इसका पड़ाव जो होगा वो है दिशा को ज्ञान करना, दिशा का ज्ञान लेना, आइए डायरेक्शन का ज्ञान लीजिए। तो उसी पर मैं चर्चा कर रहा था कि जिधर सूर्य उगता है वो हमेशा पूरब होगा, क्योंकि आप जानते हैं साइंटिफिकल और ज्योग्राफिकल प्रूव्ड है कि सूर्य पूरब में क्यों उगता है, ये आपको पहले से जानकारी है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, इतना तो आप जानते हैं कि सूर्य पूरब में उगता है। ओके, तो पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए, तो ये हो गया पूरब। हमेशा आपको याद रखना है कि आपका जो पीठ होगा, जिधर आप खड़े होंगे वो पीठ हमेशा पश्चिम में होगा, क्योंकि सूर्य एक ओर से निकलता है और ठीक अपने विपरीत दिशा में वो डूबता है, तो ये पश्चिम हो गया। अब आपके दायां हाथ की तरफ चलिए, द मतलब दायां, द मतलब क्या होता है दायां, और द का मतलब होता है दक्षिण, तो आपका दायां हाथ जिधर भी रहेगा वो आपका दक्षिण दिशा होगा, वो आपको याद रखना चाहिए, और ठीक इसके विपरीत बायां हाथ जिधर होगा वो आपका उत्तर दिशा होगा। सो चार फंडामेंटल डायरेक्शन होते हैं छतगिन, और इस चार फंडामेंटल डायरेक्शन को बहुत बखूबी अंदाज में समझाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से एक प्लस का चिन्ह ले लेंगे और चारों डायरेक्शन को यहाँ पर शो कर देंगे, इसे कहा जाता है पूर्व, इंग्लिश में इसको कहते हैं ईस्ट, ठीक है ना, ये डायरेक्शन जो होगा इसको कहते हैं पश्चिम, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं वेस्ट, सबसे ऊपर होता है नॉर्थ, ये आधार होगा आपका, है ना, इसको उत्तर कहेंगे, और सबसे नीचे होता है दक्षिण जिसको हम सब कहेंगे साउथ। ऑल टुगेदर हमारे पास चार फंडामेंटल डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को लेकर के, और इन चार फंडामेंटल डायरेक्शन के अलावा 1 2 3 4 इन चार फंडामेंटल डायरेक्शन के अलावा ये जो बीच का एरिया, इन दोनों का बीच का, देखिए ये टॉप पर आपको पूर्व कहलाएगा, यहाँ पे पूर्व है, यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे पश्चिम है, यहाँ पे दक्षिण है, लेकिन इतना बड़ा एरिया, देखिए ये एरिया जो बच रहा है, इन दोनों का बीच का जो एरिया है तो ये एरिया कहलाता है, इन दोनों का बीच का एरिया है तो ये उत्तर और पूर्व, तो ये कहला जाएगा उत्तर पूर्व, उपू, खाली उत्तर पूर्व उपू लिखेंगे, और इसके लिए शब्द होगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से इन द सेम वे इन दोनों के बीच का एरिया क्या कहलाएगा, तो इन दोनों का बीच का एरिया कहलाएगा दक्षिण पूर्व, यानी कि हो जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है ना। फिर उसी प्रकार इन दोनों का बीच का एरिया, चूंकि इसके और इसके बीच में, तो यहाँ है दक्षिण, यहाँ है पश्चिम, तो इसको लिख देंगे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण का होता है साउथ और पश्चिम का होता है वेस्ट, ये साउथ वेस्ट हो गया। फिर इन दोनों का बीच का एरिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ठीक है ना, और उत्तर पश्चिम ये नॉर्थ और ये वेस्ट है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल का टोटल डायरेक्शन हम सबों का यहाँ पर ऑल टुगेदर 8 डायरेक्शन हो गए छात्रगण, जिसमें 4 फंडामेंटल डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इन दोनों का बीच का एरिया नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों का बीच का एरिया साउथ ईस्ट, इन दोनों का बीच का एरिया साउथ वेस्ट, और इन दोनों का बीच का एरिया नॉर्थ वेस्ट। तो ऑल टुगेदर इन चार पड़ाव पर हम सब काम करते हुए नजर आते हैं छात्रगण। आपको बहुत अच्छी तरह से डायरेक्शन टेस्ट में ये पता होना चाहिए कि कौन सा डायरेक्शन किधर है, क्योंकि ये जो चित्र आपने ड्रॉ किया है, यही चित्र से, इसी चित्र से आपको पूरा का पूरा डायरेक्शन टेस्ट पे कमांड हासिल करना पड़ेगा, और पूरा डायरेक्शन टेस्ट आपको इसी फिगर के सहारे से पढ़ाना होगा और पढ़ना होगा, दोनों काम करना होगा। अगर इस पर आपकी कमांड नहीं होगी, इस चित्र रेखा पर, इस आरेख पर आपकी कमांड नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा। सनातन धर्म में आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ये एरिया आपका अग्नेय कौन है, तो ये व्यय कौन है, तो वास्तुशास्त्र हम लोग का कहता है, वास्तुशास्त्र पूरी तरह से इन्हीं डायरेक्शन पर चलते हैं छात्रगण, उसकी बातें हम सब ना करेंगे, चूंकि आपके ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके आधार पर ही हम सब अपने डायरेक्शन टेस्ट को जानने का प्रयास करेंगे छात्रगण। तो ये था डायरेक्शन टेस्ट का एक पड़ाव, अब इसके दूसरे पड़ाव पे लीजिए, इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए पूरे डायरेक्शन को समझते हुए, कौन डायरेक्शन किधर है, मेरा केवल स्केचिंग देखा कीजिए, देख के बोर्ड देख के कभी ना उतारिए, आपने हमने टीचर जो बका इससे आप कितना कुछ सीखें, यही आपका पढ़ने का आधार होना चाहिए, इस आधार को फॉलोअप करते हुए सारा डायरेक्शन को आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, उसके बाद बातें करते हैं, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद।
दिशा संबंधी प्रश्नों में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ख्याल रखना है छात्रगण, वो ये है कि हमेशा दिशा संबंधी प्रश्नों में जो आपका बायां है, आपका अपना बायां मीन्स आपके अपने हाथ का बायां, और आपका अपना जो दायां है मीन्स व्हाट्स योर लेफ्ट, आपका जो लेफ्ट है और आपका जो राइट है, ये दोनों चीजें जो होंगी वो दिशा संबंधी प्रश्नों में हूबहू वैसा ही होता है। मीन्स अगर प्रश्न में बोलेगा बायां बायां बाएं मुड़े, राम बायां मुड़ता है, तो आप अपने बायां मुड़ेंगे, वो एक बहुत बड़ा पड़ाव होगा डायरेक्शन टेस्ट का। राम अपना बायां मुड़ता है तो आपको अपने बायां मुड़ना है, कहता हुआ दाएं मुड़ता है तो आपको अपने दाएं मुड़ना है, तो बाएं और दाएं आपका क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, आप इस चैप्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो एकदम नोट बना करके लिख लीजिए, है ना, नोट बना करके एक लाइन यहां पे लिखने की आवश्यकता है, प्रश्न का बायां दायां, प्रश्न का बायां और दायां, लेफ्ट राइट, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो प्रश्न का बायां दायां, आपका अपना, आपका अपना बायां दायां होता है। आप नोट्स बनाएंगे तो हमारा लिख लीजिएगा, आपका अपना बायां दायां, बायां दायां होता है। ये एकदम विशेष रूप से याद रखे जाएंगे छात्रगण कि जो प्रश्न का बायां दायां होता है, व्हाट्स द लेफ्ट एंड राइट इन ए क्वेश्चंस इज योर ओन लेफ्ट एंड राइट, आपका अपना बायां दायां होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है इस चैप्टर का, इसके क्लियर होने पर आप इस चैप्टर में बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं डायरेक्शन टेस्ट का, एकदम से एग्जांपल क्वेश्चन समझाएंगे, कई क्वेश्चन समझाएंगे, टाइप नंबर वन में टाइप में बांट कर पढ़ाएंगे। पहले टाइप में हम लोग टू फाइंड डायरेक्शन, सेकंड टाइप में टू फाइंड डिस्टेंस, एंड थर्ड टाइप में शैडो, चार पांच क्लास इसका भी लेंगे डायरेक्शन टेस्ट का, आपको मास्टर बनाएंगे। तो ये दो पड़ाव, एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डायरेक्शन और दूसरा आपका अपना लेफ्ट और आपका अपना राइट, प्रश्न का लेफ्ट राइट हुआ करता है, बस इससे ज्यादा और आपको कुछ भी नहीं जानना है। सीधे सीधे क्लास में टाइप नंबर वन की शुरुआत करेंगे छात्रगण, और चलिए आपको आगे की ओर लेके चलते हैं और एक प्रश्न का निर्माण करते हैं, है ना। चलिए तो छात्रगण याद रखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो पड़ाव है इस प्रश्न का, उसमें डायरेक्शन टेस्ट में आपको सीधे सीधे मैंने पहले ही कहा है कि आपको सीधे सबसे पहले डायरेक्शन सिखाएंगे कि डायरेक्शन ज्ञात कैसे किया जाता है, है ना। चलिए क्वेश्चन कहता है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है ना, मोहन मोहन पश्चिम की ओर अर्थात वेस्ट की ओर 20 मीटर चलकर दाई ओर मुड़ता है, दाई ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है और 30 मीटर चलता है, ओके, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, हो गया। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा, अब उसका मुंह किस दिशा में होगा, अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। ये पूरी कहानी है छात्रगण डायरेक्शन टेस्ट का, पहला क्वेश्चन लिए है एकदम, केवल देखिए टाइप वन में केवल डायरेक्शन निकालने के लिए सीखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। कहता है मोहन पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है, जैसे प्रश्न कहता है कि देखिए डायग्राम इंटरप्रिटेशन में आपको मास्टर होना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत डायग्राम बना पाने में आप कामयाब होना चाहिए इस चैप्टर में। अगर आप डायग्राम बनाने में गलती करेंगे तो आपको एकदम मान करके चलना चाहिए कि चैप्टर आपको बहुत बहुत सताएगा और लगभग क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। और आपको पहले ही बताएं कि डायरेक्शन टेस्ट का डायरेक्शन अभी आपको जस्ट सिखाया गया है। मोहन पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है, पश्चिम की इधर है डायरेक्शन, अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन लगता है तो एक छोटा सा डायरेक्शन खींच लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इसको अपने माइंड में रखिएगा हमेशा, किधर ईस्ट है किधर, एकदम दिमाग में रखिएगा, उसी डायरेक्शन पे पूरा कहानी कहेंगे। मोहन पश्चिम की ओर 20 मीटर चलकर, मोहन किधर चलता है, पश्चिम की ओर, कितना चलता है 20 मीटर, तो पश्चिम की ओर 20 मीटर,
देखिए हमसे पश्चिम की ओर चलता है तो किसी एक बिंदु को ले लेंगे जहां से वो पश्चिम की ओर चल रहा है। ओके, एक बात और याद रखेंगे साथ की, बात क्या याद रखनी है कि जो ये लाइन खींचते हैं, देखिए हम इतना छोटा लाइन खींचे, अगर यहाँ पे 10 मीटर रहता तब भी हम इतना बड़ा लाइन खींचते। बस लाइन खींचने में एक चीज बच्चे ध्यान रखेंगे कि जितना मीटर का दूरी दिया हुआ है, जाहिर बात है अगर ज्यादा बड़ा दूरी दिया हुआ है तो उसके लिए लाइनें लंबी थोड़ा खींचेंगे, और अगर छोटी दूरी दिया हुआ है तो लाइनें थोड़ी सी छोटी खींचेंगे। एकदम इस बात को याद रखिएगा, 20 मीटर की लाइन लंबी होगी, 10 मीटर की लाइन छोटी होगी, 40 मीटर का लाइन लंबा होगा, 50 मीटर का लाइन उससे लंबा होगा, ये ध्यान में रखना चाहिए आपको, वो बहुत बहुत काम आपको आने वाला है। तो मोहन पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है, पश्चिम एक पॉइंट ले लेंगे, इस पॉइंट से मोहन पश्चिम की ओर, देख लीजिए मेरा पश्चिम दिशा इस ओर है, मोहन पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है और मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ जाता है, यहाँ से पश्चिम की ओर चला और अब वो दाईं ओर मुड़ गया। अब बताइए दायां किधर होगा। अब यहीं पर बच्चा 99% बच्चा यहाँ पे कन्फ्यूजन करता है कि अब लेफ्ट और राइट किधर होगा मेरा। देखिए कुछ भी नहीं आपको करना है, आप देखिए कैसे जा रहे थे, आप ऐसे जा रहे थे, प्रश्न का निर्माण आप ऐसे कर रहे हैं, आपका दायां किधर होगा। देखिए हमेशा अपना दोनों आंख को देखिए, आपका दोनों आईज किधर है, आईज आपका सामने है, आईज हमेशा आप जिस दिशा में जा रहे हैं केवल अपना आईज देखिए कि मेरा आईज है किधर। और जब आपको आईज आ गया तो आपका लेफ्ट राइट तो आपको पता होना चाहिए, आपका अपना बायां और आपका अपना दायां कौन है ये तो आपको खूब अच्छा से मालूम होना चाहिए। तो बोलता है दाईं ओर मुड़ता हर 30 मीटर चलता है, यहाँ से मुड़ने के बाद वो 30 मीटर चलता है। रुकिए थोड़ा सा मेरा क्या हो गया, जगह यहाँ पे कम गया है, नीचे कर लेते हैं इसको तो और अच्छा तरह से। हाँ यहाँ से कितना चला है वो 20 मीटर, अब अच्छा हो गया है ना। पश्चिम की ओर 20 मीटर चला और यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो देखिए 20 से थोड़ा सा लंबा लाइन खींच लेंगे 30 मीटर का, वेरी गुड। तो ये हो गया 30 मीटर। अब देख लीजिए इसको हम काहे इस प्रकार से किए हैं, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, क्यों ऐसा किए हैं समझ में आ गया अच्छी तरह से। 30 मीटर यहाँ से चलता है, दाईं ओर मुड़ गया, यहाँ से चला तो 30 मीटर दाईं ओर मुड़ गया, दाईं 30 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता, बोलता है फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर, फिर देख लीजिए अपना आंख देख लीजिए, अभी ऐसे चल रहा था दायां किधर हो जाएगा, अब 20 मीटर चलता है, यानी कि ये लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या होगी बराबर हो जाएगी, ये 20 मीटर तो ये भी कितना हो गया 20 मीटर चलता है। ओके, अब उसका मुंह किस दिशा में होगा, तो देखिए ये मुंह ये अब किधर देख रहा है, यहाँ से देखिए, अब तो ये बच्चा ऐसे चल रहा है, मोहन तो ऐसे चल रहा है, तो अब ये किधर की ओर देख रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, योर डायरेक्शन ईस्ट, तो अब वो किधर की ओर देख रहा है, तो ईस्ट की ओर देख रहा है, कहीं कोई दिक्कत। अब वो किधर देख रहा है, पूरब की ओर देख रहा है, ऑप्शन में पूरब दिया हुआ रहेगा, आंसर आप मान लेंगे, समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत तो अच्छी तरह से बताइए। देख लीजिए कितना आसान है, मोहन पहले पश्चिम की ओर चलता है 20 मीटर, फिर दाएं मुड़ता है, देखिए जो मुड़ने का क्रम है वही आप गड़बड़ी करेंगे और क्वेश्चन में कहीं आप गड़बड़ाहट नहीं करेंगे। मुड़ने का क्रम जो होता है वो आपका बायां दायां बच्चा का क्लियर होना चाहिए, आपका अपना बायां और आपका अपना दायां प्रश्न में बायां दायां होता है, यहां से वो दाएं मुड़ता है दाएं मुड़ जाइए आप भी, फिर यहां से दाएं मुड़ता है आप दाएं मुड़ जाइए, जितना दूर चलता है चलने दीजिए। अब बोलता है कि किस दिशा में हो जा रहा है, तो ये कौन सा दिशा है, आप देख लीजिए ये कौन सा दिशा है, ईस्ट है, तो वो किधर चल रहा है, पूर्व की ओर चल रहा है। तो इस प्रकार से छात्रगण अब उसका मुंह किस दिशा में था, उसका मुंह ईस्ट की दिशा में है। बहुत आसानी से बहुत आसान तरीके से हम सब ऐसे प्रश्नों का जवाब निकाल सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। आइए कई पड़ाव पर आपको लेके चलेंगे, कई डिफिकल्ट क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करेंगे, आगे की ओर लेके चलते हैं छात्रगण, जहां कोई प्रश्नों का निर्माण करेंगे। अगले पड़ाव पर है छात्रगण, प्रश्न का कहता है कि एच लट्ठा, लट्ठा मतलब बैम्बू होता है, एच लट्ठा आर लट्ठे से पूरब की ओर है, एकदम जैसे क्वेश्चन बोलता है एच लट्ठा जो है, एच जो लट्ठा है, देखिए ये लट्ठा है, इसका नाम है एच, ये आर से पूरब की ओर है, यानी कि आर से पूरब की ओर है, ये आर से पूरब की ओर हो गया एच लट्ठा, आर भी एक लट्ठा है, आर लट्ठे से किधर की ओर है, ये पूरब की ओर है, तथा डी लट्ठे से उत्तर की ओर है, कौन एच, ये डी लट्ठा से उत्तर की ओर है, तो इसके नीचे उत्तर कर लेंगे, तथा डी लट्ठे से उत्तर की ओर है, हो गया। एच के बारे में कहा जा रहा है कि एच एक बैम्बू है, एक लट्ठा है, जो आर से ईस्ट में है, आर से पूरब की ओर है, और डी के नॉर्थ में, डी से उत्तर की ओर है, बस अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन सीधे लेके चल रहा है, कहता है कि लट्ठा डी, लट्ठा आर से किस दिशा में है, लट्ठा डी जो है वो आर से किस दिशा में है, यही आपको ज्ञात करना है, ये आर से किस डायरेक्शन में होगा। देखिए वेरी सिंपल होता है, जहां से भी डायरेक्शन निकालने के लिए आपको कहे, आपको जिस जगह से कह रहा है वहां पे आप खड़े हो जाइए,
सारा डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। देखिए ये पूछ रहा है लट्ठा डी जो है वो आर से किस दिशा में है, यही ना डायरेक्शन पूछा। तो ये डायरेक्शन कौन होता है बताइए हमको, ये डायरेक्शन कौन सा है। आप यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर जब आप खड़े हैं इस पॉइंट पे तो ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, साउथ ईस्ट है। तो ये डायरेक्शन हो गया साउथ ईस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण पूर्व। समझ में आ गया अच्छी तरह से। ये पूरी कहानी है झारखंड जो कि हम सब इसमें लेकर के चलते हैं और जिसके आधार पर प्रश्न बढ़ता है। तो पूरी कहानी आपकी क्लियर होनी चाहिए कि एच लट्ठा जो है आर लट्ठा से पूरब की ओर है तथा डी लट्ठे से उत्तर की ओर है। लट्ठा डी लट्ठे आर से किस दिशा में है, लट्ठा डी लट्ठा आर से किस दिशा में है, तो साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूर्व में है। कहानी क्लियर। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप देख लीजिए ऑप्शन में कहीं पर है दक्षिण पूर्व है आंसर कहाँ नंबर चार। ये थोड़ा सा एक नया टाइप का क्वेश्चन, अभी कई क्वेश्चन के पड़ाव पर आपको लेकर के चलेंगे छात्रगण। देखिए लक्ष्य हमको डायरेक्शन यहां से निकालने के लिए बोल रहा है, डायरेक्शन जहां से निकालने के लिए कहेगा, इस पॉइंट से डायरेक्शन निकालने के लिए कह रहा है। तो आप यहां पर खड़े होंगे और यहां से देखेंगे कि ये किस दिशा में है, तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन पकड़ा हुआ है डी, तो आंसर आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा अर्थात दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो बहुत ही बारीकी कंसेप्ट से ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। आपकी थोड़ी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन पे आपको बर्बाद कर सकता है, डायरेक्शन उल्टा आपका आ जाएगा। तो प्रश्न को समझते हुए जहां से डायरेक्शन पूछे वहां पर ये चित्र बना लीजिए, जो ब्रह्मास्त्र आपको दिए हैं स्टार्ट नंबर में स्टार्टिंग पे ही, इस चित्र के सहारे से कोई भी क्वेश्चन हल किया जा सकता है। बस सिंपली आपको कहां पर भाई यहां से देखना है तो यहां से देख लीजिए, तो कहां पर भाई तो साउथ ईस्ट में, कहानी खत्म होगी, कोई दिक्कत। चलिए आगे की ओर लेकर के चलते हैं छात्र। अगले प्रश्न पर आपका स्वागत है छात्रगण। कहता है कि लिम्बा पूरब दिशा की ओर जा रही है, जैसे बोलता है प्रश्न आपको करना है, लिम्बा पूरब दिशा की ओर जा रही है, चली गई अपने डायरेक्शन के अनुसार में, एक पॉइंट है जहां से लिम्बा पूरब दिशा की ओर मूव कर रही है। कहता है कि अब वो किन क्रम, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब कहता है कि वह किन क्रमों में मुड़े ताकि वह उत्तर दिशा की ओर चलने लगे। बोलती है कि अब वो कैसे कैसे मिले, वो कैसे मुड़े कि वो उत्तर दिशा की ओर चलने लगे। तो आपको तो मालूम है उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है। तो एक बार इसको खाली ऐसे मुड़ा देंगे, मतलब यहाँ से बाईं ओर अगर वो मुड़ जाता है तो नॉर्थ में चला जाएगा, लेकिन देख लीजिए कहीं भी बाएं ऑप्शन आपका नहीं है। तब भाई हमको चूंकि क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है क्रमों में, तो कितना क्रम में इसको मुड़ाएंगे वो हम लोग चेक करेंगे। अगर उसको बाएं और दाएं मुड़ाते हैं, मतलब यहाँ से सबसे पहले बायां और फिर दायां, तो देख लीजिए किधर जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर पहला खत्म हो गया आपका। अपने मन से ऑप्शन मत देखिए, सीधे अपने मन से क्वेश्चन को उठाइए। माने इसको हमको नॉर्थ में लेकर के जाना है, दाएं दाएं बाएं, यहां से दायां तो दायां इधर हो गया, फिर दायां इधर हो गया, फिर बायां तो नीचे हो गया, ये भी कहानी खत्म हो गया। बाएं बाएं बाएं, यहां से बायां, यहां से बायां, फिर बायां और फिर बायां नीचे, ये भी खत्म हो गया। दाएं दाएं दाएं, यहां से दाएं, फिर यहां से दाएं और फिर दायां, देखिए चला हो गया। तो ऑप्शन नंबर चार एकदम करेक्ट हो गया है। यहां से अगर वो राइट दायां ले लेता है तो नीचे चला गया, हम लोग इधर जा रहे थे, आंख यहां पे कर लीजिए, आंख कहां है, यहां से दायां नीचे हो गया, यहां से फिर आंख कर लीजिए, फिर यहां से दायां कहां होगा, इस दिशा की ओर दायां होगा, फिर यहां पे आंख लगा लीजिए, फिर दायां किधर होगा, इस दिशा की ओर दायां होगा। तो बताइए अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, ऑब्वियसली वो नॉर्थ दिशा की ओर जा रहा है। और वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिम्बा पूरब दिशा की ओर जा रही है, अब वह कैसे कैसे मुड़े, किन क्रमों में मुड़े ताकि वह उत्तर दिशा की ओर चलने लगे। तो उसको मुड़ने की दिशा होनी चाहिए दायां दाएं दाएं दाएं, अगर वह इस क्रम में मुड़ेगी तो वह नॉर्थ दिशा की ओर चलने लगेगी। बस समझ आ गया। देखिए केवल पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन आप देखिए कि सर किस पड़ाव पर लेके जा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन चल रहा है, इन तमाम चीजों को आपको देखने का प्रयास करना चाहिए छात्रगण। आइए अगले प्रश्न पर आपको लेकर के चलते हैं, अगले पड़ाव पर है छात्रगण। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ए एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, व्यक्ति ए है एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, यहां से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में ये 2 किलोमीटर चलता है। वह दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, यहां से वो कहां घूम जाता है, दायां, और कितना चलता है 2 किलोमीटर। वह दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। अब बोलता है कि फिर दाएं घूम जाता है, यहां से दाएं घूम जाता है और चलता रहता है, ये चल रहा है, यहां से चल ही रहा है ये।
तो बताइए कि अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो छत का ये कौन सा डायरेक्शन है खुद बताइए, लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन है साउथ, जिसको कहते हैं दक्षिण। तो बहुत ही आसान तरीके से छतकिन हम सब ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। एक ही काम बच्चा को करना है कि डायरेक्शन टेस्ट को वो आत्मसात करे, दिशा संबंधी ज्ञान वो रखे और उस ज्ञान के सहारे इस पूरे टॉपिक पे, इस पूरे चैप्टर पे वो अपना कमांड हासिल कर सकता है छतकिन। उम्मीद करते हैं कि पूरी चैप्टर आपको बखूबी समझ में आया होगा और आपने बहुत ही अंदाजे हवा से इस चैप्टर को समझने का प्रयास किया होगा। मैं कई बार कह रहा हूँ कि इसका एक ही पड़ाव है और पड़ाव है कि ऐसे प्रश्नों को डायरेक्शन बच्चा समझे और डायरेक्शन समझने के बाद ऐसे प्रश्नों को हल करें। तो आज की क्लास भी हम सब यहीं पे समाप्त घोषित करेंगे छात्रगण, इस वादे के साथ में कि कल की क्लास में भी डायरेक्शन टेस्ट को इसी पड़ाव पर हम लोग लेकर के चलेंगे छात्रगण और कई बेहतरीन क्वेश्चंस देखेंगे। टाइप वन क्रिएट किए हैं, टाइप टू में इसमें जंपिंग डायरेक्शन है, उसके बाद अभी तो आप देख लेते हैं कि कितना अच्छा है कि एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, अभी तो आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन दे रहा है। ऐसी स्थितियां कमोबेश पैस पैदा होंगी जब डायरेक्शन आपको देगा ही नहीं देगा, आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं देगा, उसका बाद का डायरेक्शन देगा, वैसी स्थितियों पर आपको काम करना होगा। तो वो सब काम कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहां करेंगे, इन तमाम चीज़ों का उल्लेख आपके बीच में हम सब करेंगे छात्रगण। तो आज की बातें यहीं तक, कल की बातें कल की क्लास में रखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सब बखैर, बाय बाय।